गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। सो पहले हम लोगों ने इसी सीरीज़ में हम लोगों ने पहले एक बात किया हुआ था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स के बारे में हमने समझा था, ठीक है। सो उसी वीडियो को, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे आपने भी सुना होगा, अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करी है तो आपको भी रियलाइज़ हुआ होगा कि हर स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, जिन्हें फॉलो करना बेहद ही ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी खुद की बेवकूफ़ी मानी जाती है। इसी को बोलते हैं कि गैम्बलिंग करना। अगर आप प्रॉपर मैनर में एनालाइज करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा हमेशा फ्रूटफुल होता है, इन 90% ऑफ द चांसेस, ठीक है। आप अंधा जाके अपने नॉर्मली ब्लाइंड फोल्डेडली आप जाके किसी भी स्टॉक को खरीद लेते हैं, उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, दैट इज़ टोटली नॉनसेंस। वो नहीं करना है। सो अगर हमें वो नहीं करना है तो अब ये चीज़ समझना है कि क्या करना चाहिए। तो क्या करना है उसके बारे में ही ये वीडियो है। थोड़ी सी लंबी वीडियो रहेगी तो आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि हम छोटे से छोटे मैनर में इसको कंपनसेट कर पाएँ, कंप्लीट कर पाएँ। बट एक ड्यू डिलीजेंस के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट दैट योर मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन अ गुड कंपनी, आई नीड योर टाइम टू बी इन्वेस्टेड इन दिस वीडियो, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अब बात आती है कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे सुना होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब यह है कि अगर किसी भी कंपनीज का हम देखते हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो वो कंपनी क्या करती है, कैसा काम करती है, उस काम से कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है, उस रेवेन्यू को कंपनी कैसे यूज़ कर रही है, ठीक है, क्या एक्सपेंडिचर्स है, कहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना ग्रोथ मार्जिन है, ये छोटी बड़ी चीज़ों को हमें समझना पड़ता है और उसी को हम बोलते हैं एक तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। आई होप इतना इंट्रोडक्शन काफी रहा होगा। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या है, ठीक है। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू स्टडी ऑफ बिजनेस। बेसिक पूरा का पूरा बिजनेस प्लान आपको स्टडी करना पड़ता है। और हाँ, ये बिजनेस प्लान हम लोग महीने, दो महीने, तीन महीने का नहीं देखते हैं। ये बिजनेस प्लान हम लोग देखते हैं पिछले 3 से 5 साल तक का, कि पिछले 3-4 सालों में 5 सालों में कंपनी ने क्या बिजनेस किया है, कितना उसने जनरेट किया है, क्या मार्जिन थे, क्या कैपेक्स था, क्या एक्सपेंडिचर था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपके लिए एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को आइडेंटिफाई करना और उसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट योर वेल्थ, ठीक है। तो आपने भी सुना, जैसे आपको हर किसी को पता है कि टाटा, रिलायंस और ये सब अंबानी ग्रुप है, इन सब चीज़ों में हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती है? बिकॉज वी आर ऑलरेडी अवेयर कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज हैं, ठीक है। तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे इन्फोसिस है, TCS लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज, आइशर मोटर्स, बॉश, नेस्ले, ठीक है। ये सारी कंपनीज हैं जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। अब क्यों इतनी स्ट्रांग है? उनका एक CAGR मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAGR। बेसिकली CAGR इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, ठीक है। यानी कि अगर हम पिछले 10 सालों का देखें तो पूरे 10 साल में ऑन एन एवरेज बेसिस कितना ग्रोथ दिया है एक पर्टिकुलर कंपनी ने, ठीक है। एट अ 20% CAGR द इन्वेस्टर वुड डबल हिज मनी इन रफली 3.5 ईयर्स। अब खुद सोचो, हम लोग सोचते हैं कि यार बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे, लेट सपोज TCS है या जो भी कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो वो तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनी है, उसमें इतना ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। वो एक बात आपके ठीक है कि हाँ आपके ऊपर एक ग्रोथ मार्जिन, एक लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होंगी, दैट्स फाइन। बट ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि आपका पैसा 100% सेफ है वहाँ पे, ठीक है। और आपका अगर एक अच्छा CAGR वाली कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर 20% CAGR वो दे रही है कंपनी, तो आपका पैसा 3.5 साल में ऑलरेडी डबल हो जाएगा। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि 3.5 साल में 20% CAGR के बेसिस पे योर मनी इज डबल नाउ, ठीक है।
इतनी चीज़ों को समझना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। अभी हम लोगों ने जो देखा है कि 20% CAGR के हिसाब से 3.5 साल में हमारा पैसा जो है डबल हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। सो हायर द CAGR, फास्टर इज़ द वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपको ये है कि नहीं मेरे को पैसा जल्दी डबल करना है या मेरे को जल्दी रिटर्न चाहिए, अच्छे रिटर्न चाहिए, तो एक काम करो सिंपल सा कि एक ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करो पूरे मार्केट में से जो आपको अच्छा CAGR का रिटर्न दे रही हो, अच्छा CAGR दे रही, मोर देन 20% इफ़ यू वॉन्ट, ठीक है। सो अगर जितना ज़्यादा CAGR आपका मिलेगा उतनी जल्दी आपका पैसा डबल बनेगा, यानी कि पैसा वेल्थ क्रिएट होगा। तो सम कंपनीज सच एज बॉश इंडिया लिमिटेड हैज़ डिलीवर्ड क्लोज टू 30% CAGR। अब आप खुद सोचो, जहाँ 20% के CAGR पे मेरा पैसा 3.5 साल में डबल हो रहा था, यहाँ पे 30% का CAGR है, यानी कि 2-2.5 साल के अंदर में आपका पैसा डबल, ठीक है। देयर फॉर यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड द स्पीड एट विच वेल्थ इज क्रिएटेड, ऑब्वियसली, ठीक है। चलो ज़्यादा देखते हैं आगे। लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ बॉश इंडिया, आईशर मोटर, TCS, देख रहे हो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, खाली कहीं पर भी कुछ फर्क नहीं है, सीधा अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब आईशर मोटर का यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये है इनका CAGR, ठीक है, 40%, 49%, ये सारे CAGR पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो अब हमें ये कैसे समझना है कि फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को एक चीज़ मैं और आपको क्लियरली बता देता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस इज़ नेवर डन ऑन द बेसिस ऑफ आई एम एक्सपेक्टिंग माई मनी फॉर अ ट्रेड। हम ट्रेडिंग के हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस को नहीं करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इज़ सूटेबली डन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ओनली। अब अगर आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब यह है कि 30 साल 40 साल के लिए छोड़ना है, वो आपकी मर्जी है, बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप सोच रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस को आप देखना चाहिए आपको फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए देखो, 2 साल के लिए देखो, इस हिसाब से देखो, ठीक है। तो 1 साल 2 साल के हिसाब से आप देखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्या हम फंडामेंटल एनालिसिस बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। कैसे करना है? अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंपनी के एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट, के एनुअल रिपोर्ट कंपनी का क्या आ रहा है, कितना ग्रोथ दिखा रहा है, कंपनी का PNL यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे रीड करना है? देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हर कंपनी अपना निकाल के देती है, बट उसको देने से क्या फ़ायदा होता है? कंपनी ने तो दे दिया, लेकिन जो हम एज एन एमेच्योर इन्वेस्टर्स हम लोग उसको पढ़ते ही नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार ठीक है ना, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ये है वो है फलाना ढिमका, छोड़ दिया। बट ये आदत हमें ख़त्म करनी पड़ेगी इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ थॉरो फंडामेंटल एनालिस्ट। तो उसके लिए आपको खुद के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि आप उससे अच्छे से समझ पा रहे हो। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सबको आते हैं, ठीक है। सो अब बात आती है कि आई एम हैप्पी विद टेक्निकल एनालिसिस, सो वाई बॉदर अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, दैट्स ट्रू। अब दिमाग में ये भी आपके होगा कि यार टेक्निकल एनालिसिस करूँगा, मेरे को ये पता चल जाएगा अगले 10 दिन, 5 दिन में, 20 दिन में क्या होगा, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा ट्रेड ले पाऊंगा तो पैसा जल्दी डबल हो जाएगा। बट उसमें जितना ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं ग्रोथ के, उतने ही हाई रिस्क पैटर्न्स होते हैं, उतना ज़्यादा आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल भी बनता है। तो मेरा मानना यह है कि आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो, ठीक है। पहला काम यह है कि कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना, इसलिए आई हैव चूजन किसी भी नए बंदे के लिए, बिगिनर्स के लिए, आई विल नेवर जस्टिफाई, आई नेवर गाइड यू टू गो विद टेक्निकल एनालिसिस एंड स्टार्ट योर करियर इन ट्रेडिंग फर्स्ट। अगर आप ट्रेडिंग में जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप आपका जो भी कैपिटल होगा, लेट सपोज 1 लाख, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, जो भी, वो आप वाइप आउट करा के जीरो बैलेंस करके फिर शांति से बैठ जाओगे और आप स्टॉक मार्केट को सट्टा है, जुआ है बोलने लगोगे। ऐसा करना है तो इट्स योर कॉल, बट आई डेफिनेटली सजेस्ट कि पहले स्टार्टिंग के 6 महीने, 1 साल फोकस ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको ईयरली नहीं करना है, क्वार्टरली करो, कि एक ट्रेड लो, आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया, उसको क्वार्टरली देखो अपने एनालिसिस के हिसाब से। वहाँ पे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा, वो कैपेबिलिटीज भी आएंगे और आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी समझ में आएगा। दैट्स हाउ आई डिड इट एंड दैट्स हाउ आई वॉन्ट कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ऐसे ही करें, ताकि मेरे को जो फ़ायदा मिला है वो आप तक भी पहुँचे और आपको भी अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिले, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कुछ मिस्टेक्स, तो मैं आपको वो दोबारा से कमिट नहीं करवाना चाहता, ताकि
इट्स अ फ्रीडम ऑफ आर इंडिया, कंट्री की फ्रीडम है, आप जो मर्जी चाहें आप कर सकते हैं, इट्स योर कॉल। ओके, सो अब बात आती है कि हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस, देखो सिंपल सा मानना ये होता है कि किसी भी मार्केट में अगर आपको रहना है तो यू शुड बी अवेयर अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, हमेशा कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर आप मार्केट से सीखना चाहते हैं, मार्केट में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको दोनों चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस से आप अपना बेसिक्स को मजबूत करते हैं, बेसिक्स को करने के बाद, हैबिचुअल करने के बाद, यू स्टार्ट गोइंग इनटू इन्वेस्टमेंट्स, आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आपको टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट, पैटर्न्स और ये सारी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज लेना पड़ता है। ठीक है, सो फंडामेंटल एनालिसिस के क्या क्या टूल्स होते हैं, द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, कंपनीज एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, फंडामेंटल रिपोर्ट में सारी इंफॉर्मेशंस लिखी होती हैं कि कंपनी कैसे करना चाह रही है, क्या करेगी, इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा। ठीक है, एक्सेस टू न्यूज़ और MS Excel। MS Excel का कुछ ऐसा ज़्यादा रोल नहीं होता, बट यस, आप कैलकुलेशंस करना चाहते हो, आप ग्रोथ को समझना चाहते हो, एनालिसिस को करना चाहते हो कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उसके लिए यू रिक्वायर एक्सेल। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर है हमारा माइंडसेट ऑफ एन इन्वेस्टर। अब तीन तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, स्पेकुलेटर, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स। स्पेकुलेटर कौन कौन होता होगा, जो सिंपल से जो अपनी कहानियाँ बताते होंगे, मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ट्रेडर कौन होते हैं, ट्रेडर वो होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेते हैं, या तो इंट्राडे हो गया या फिर स्विंग ट्रेड हो गया, 15 डेज 20 डेज का ट्रेड हो गया, ये ही ट्रेडर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो अपनी कंपनी अपने पैसे को कंपनी में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। ठीक है, अब बात आती है कि इनके लिए हम लोग कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और आपको एक चीज़ सिंपल सी बता दूँ, अगर आप मार्केट में ये सोच के बैठे हो कि मैंने उसको देखा था, मैंने इसको देखा था, उसने 2 साल में, 1 साल में पैसे को इतना ज़्यादा बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नेवर डू दैट। अगर आप उस तरीके से आप मार्केट में आएंगे, उस आइडिया, उस माइंडसेट से मार्केट में आएंगे, आप अपने कैपिटल को स्टार्टिंग के 1 साल 6 महीने में ही ख़त्म कर लोगे और फिर आप ज़ीरो बन के बैठ जाओगे। वो नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ कंपाउंडिंग के मज़े लेने हैं बस। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू बी एन प्रो इन्वेस्टर, आई वुड जस्ट डेफिनेटली सजेस्ट कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है, यू वॉन्ट टू गो हैड विद ट्रेडिंग, फंडामेंटली पहले फंडामेंटल एनालिसिस के साथ स्टार्ट करो, धीरे धीरे फिर ट्रेडिंग पे। ठीक है, चलो ये देखो कंपाउंडिंग का इफेक्ट, एक नॉर्मल चार्ट पैटर्न है। 120 रुपये का था ईयर 1 पे, ईयर 2 में कितना हुआ, 144, 72, 207, 248, 298। अब आपको खुद दिख रहा होगा कि 10 साल में ये 120 से लेके कहाँ पे पहुंच गया है, 600। अब सीधा सीधा यहाँ पे कितना रिटर्न दिख रहा है आपको, आप खुद सोचो। ठीक है, तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आपका पैसा जो है हर 3-4 साल में आपका पैसा डबल हो गया, यहाँ 120 था, यहाँ पे 248, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा, कितना, 4 साढ़े 4 साल में आपका पैसा जो है डबल से ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ हम आपको, इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट्स क्या होता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मेनली वॉज अंडरस्टैंडिंग द नॉन न्यूमेरिकल मैनेजमेंट बैकग्राउंड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, माइनॉरिटी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें बताती हैं कि हमें कैसे मैनेजमेंट को करना चाहिए। बट क्या ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं टू स्टार्ट योर टोज इन द मार्केट, आप अपने पैरों को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनके बिना नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं, आप सीखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज़ क्या है, हाउ टू रीड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। वॉट इज़ एन एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट इज ईयरली पब्लिकेशन ऑफ द कंपनी एंड इज सेंट टू शेयर होल्डर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़। अब आपके, अगर मान लेते हैं कि आप टाटा में इन्वेस्टेड हैं, टाटा स्टील में इन्वेस्टेड हो या टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड हो, तो टाटा मोटर्स का जब भी एनुअल रिपोर्ट आएगा, जब वो ईयरली पब्लिश करेंगे, वो ईयरली पब्लिशिंग आपको आपके मेल में भेजी जाएगी। ठीक है,
वो आपके मेल पे आते के साथ ही वहाँ से ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आप कंपनी कैसा ट्रेजेक्ट्री फॉलो करने वाली है या पिछला 1 साल उसके लिए कैसा रहा है। ठीक है, आपको पीछे का भी पता चलेगा, आपको आगे का भी थोड़ा सा आइडिया लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है बहुत। सो एनुअल रिपोर्ट हम लोगों ने देखा। ठीक है, सो अब एनुअल रिपोर्ट आपकी कब अवेलेबल होती है? इट इज़ अराउंड 31 मार्च। ठीक है, अब बात आती है कि एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, व्हाट टू लुक फॉर इन एन एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक एनुअल रिपोर्ट दी भी रखी है। ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा राजा बैटरीज का एनुअल रिपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, सो अब आपको ये चीज़ देखनी है। ठीक है, उतना डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, लेट्स जस्ट ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमें एनुअल रिपोर्ट्स में क्या क्या देखना होता है, 9 सेक्शंस हैं, उनमें से सारे सेक्शंस को हमें थॉरली समझना होता है। पहला है फाइनेंशियल हाईलाइट्स। ठीक है, मैनेजमेंट स्टेटमेंट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, 10 ईयर फाइनेंशियल हाईलाइट्स, कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कॉरपोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल सेक्शंस एंड नोटिस। फर्स्ट सेक्शन इज फाइनेंशियल हाईलाइट्स। फाइनेंशियल हाईलाइट्स का मतलब क्या है? बेसिकली कि फाइनेंशियल आउटलुक कैसा चल रहा है कंपनी का। ठीक है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना ऑपरेटिंग में यूज़ हुआ, कितना एक्सपेंडिचर्स था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बिजनेस ग्रोथ कैसे, इसी के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, तो ये सारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो डिस्कस करी जाती है, यानी कि मैनेजमेंट का स्टेटमेंट कि मैं, अब देखो आपको पता है अगर आपकी कंपनी है तो आप किस बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एक्सप्लेन करोगे दुनिया को? आप अपने डेटा के बेसिस पे, तो डेटा क्या है? वो फाइनेंसिस हैं, तो फाइनेंसिस के बेसिस पे ही मैनेजमेंट एक स्टेटमेंट को बनाती है और मैनेजमेंट स्टेटमेंट के डिस्कशंस को एनालिसिस करने के बाद बोलती है। ठीक है, सो एज एन इन्वेस्टर और अ पोटेंशियल इन्वेस्टर इन द कंपनी, एवरी वर्ड मेंशन इन दिस सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। यानी कि मैनेजमेंट का एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और यहीं से बेसिक क्लूज हमें दिखते हैं, मिलते हैं कि आगे कंपनी किस हिसाब से प्रोसीड कर रही है या वो कंपनी का आउटलुक कैसा देख रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमें समझनी होती है। अब बात आती है कि ये चीज़ तो हुआ। ठीक है, मैनेजमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट हर एक चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करेगा, हर एक डेटा बताएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है, कंसोलिडेटेड भी हो सकता है। ठीक है, अब ये भी एक और चीज़ यहाँ पे समझनी होती है। टिपिकली अ वेल इस्टेब्लिश कंपनी हैज़ मेनी सब्सिडीज, दीज कंपनीज ऑल्सो एक्ट एज एन होल्डिंग कंपनी फॉर एवरी सेवरल अदर वेल इस्टेब्लिश कंपनी। टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर, आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ क्रिसिल लिमिटेड शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर, यू कैन फाइंड द सेम इन द क्रिसिल्स एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये होता है आपका कि क्रिसिल्स जो कंपनी है उसको कौन होल्ड करता है या कौन उसको चलाता है। एस स्टैंडर्ड पुअर्स एस पी आई, यूएस बेस्ड रेटिंग एजेंसी होल्ड 51% स्टेक इन क्रिसिल, हेंस एस पी इज द होल्डिंग कंपनी और द प्रोमोटर ऑफ क्रिसिल। पब्लिक एंड अदर फाइनेंशियल स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन होल्ड द 49% शेयर ऑफ क्रिसिल। अवर एस पी इट सेल्फ इज 100% सब्सिडियरी ऑफ एन अदर कंपनी कॉल द मैग्रो हिल कंपनी। ठीक है, अब बात यह आती है कि अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे यह समझ में आ रहा है कि जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है मैकग्रो हिल कंपनीज, ये है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसकी, क्रिसिल की भी और एसएनपी की भी। अब एसएन मैकग्रो हिल की एक सब्सिडरी है एसएनपी। ठीक है, एसएनपी जो है 50% ओन करता है क्रिसिल का। ठीक है, क्रिसिल का 50% एसएनपी करता है और एसएनपी का 100% मैकग्रो। ठीक है, तो अब क्रिसिल के बाद जो उसकी 49% बचा हुआ है वो पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखती रहती है, वो उनको होल्ड करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या दिखता है? शेयर होल्डर्स का फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व सप्लाईज, ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लायबिलिटीज, एसेट्स, ये सारी चीज़ें छोटी बड़ी होती हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों में इतना ज़्यादा डिटेलिंग में आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली आपको बस थोड़ा बहुत ये चीज़ समझना होता है कि एसेट्स बढ़ रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, ग्रोथ मार्जिन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, जो कि मैंने आपको पहले की भी कुछ वीडियोज़ में बताया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से उनको थोड़ा सा एस्टिमेट लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है,
तो उतना ज़्यादा डिटेलिंग में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी जितना ज़्यादा डिटेलिंग में अगर आप जाने लगोगे तो आप पीछे हट जाओगे। ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम द मेकर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव, दोनों चीज़ों को आपको समझना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे समझ में आती है? P&L स्टेटमेंट से समझ में आती है, ठीक है, बैलेंस शीट से समझ में आती है। सो अब नेक्स्ट चीज़ हम जो देखेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लोग क्या क्या चीज़ों को देखते हैं? रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फॉर द गिवन पीरियड, ईयरली या क्वार्टरली अगर हम देख रहे हैं। एक्सपेंसेस क्या जनरेट हुए हैं, क्या कंपनी को कितना एक्सपेंस हुआ है, कि उसने जो रेवेन्यू जनरेट किया उसको कितना एक्सपेंस करना पड़ा। टैक्सेस और डिप्रिसिएशन क्या हुआ। अर्निंग पर शेयर नंबर, क्योंकि EPS ज़रूरी है समझना शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। सो अब अगर किसी भी कंपनी का स्टेटमेंट होता है तो ये ऐसा कुछ P&L का स्टेटमेंट आता है। सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, कितना सेल हुआ, कितना ड्यूटी लगा, नेट सेल, सेल्स ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कंपनी का जो टॉप लाइन होता है या जो रेवेन्यू होता है, ठीक है, रेवेन्यू बेसिकली अब उसके कोर ऑपरेटिंग पार्ट्स में से आना चाहिए। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो कम है और अदर्स के सेक्शन में या इन सब चीज़ों में आपको ज़्यादा रेवेन्यू दिख रहा है तो वो थोड़ा सा आई वुड से डाउटफुल बात है, क्योंकि कंपनी है अगर तो वो जो उसका कोर ऑपरेटिंग पार्ट है वहाँ से उसका रेवेन्यू नहीं आ रहा, कहीं दूसरे सेगमेंट से उसका रेवेन्यू आ रहा है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ठीक है। तो थोड़ा सा वो डाउटफुल वाली बातें होती हैं, तो वो थोड़ा सा आपको चेक करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट कब आता है आपका? हर साल मार्च के एंड में, ठीक है। अब आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी होती है कि कंपनी ने पूरे साल में जो भी प्रोडक्ट है उसका वो कितना बेचा है, हाउ मेनी सेल्स हैव बीन डन, उन सेल्स में कितना उसका एक्सपेंस लगा है, उस एक्सपेंस के ऊपर उसका नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है। अब अगर नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है, दैट मीन्स कंपनी ठीक ठाक बढ़ रही है। अगर कंपनी के ऊपर डेब्ट हैं तो वो डेब्ट को अगर कम कर रही है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, क्वार्टरली या ईयरली, दैट्स गुड फॉर द कंपनी। तो मेरा मानना ये है इन छोटी चीज़ों को ही आपको देखना चाहिए, और ज़्यादा डिटेलिंग में अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको जो जो बताया वो आपको ध्यान रखना है, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, कंपनी का ग्रोथ मार्जिन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो होता है आफ्टर इराडिकेटिंग रिमूविंग एवरी एक्सपेंसेस इनकर्ड, उसको निकालने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है क्वार्टरली। अगर वो बढ़ रहा है यानी कि डेफिनेटली कंपनी इज़ ग्रोइंग, ठीक है। अगर वो कुछ भी उसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा और ढंग से उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है सिंपल सा तरीका चीज़ों को समझने का, ठीक है। आप चाहो तो आप इन सब चीज़ों के बारे में वेबसाइट पे आके सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से चेक कर सकते हो, एक एक डिटेल को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बताऊँगा, इट्स योर होमवर्क, इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट यू कैन, ठीक है। नहीं तो सिंपल सा फंडा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हो तो आई जस्ट डू वन थिंग, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप कैसे उसको चेक कर सकते हो। लेट सपोज हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगर हमें स्क्रीनर पे चलते हैं और स्क्रीनर पे चल के हम लोग चेक करते हैं ज़रा एक बारी टाटा पावर, ठीक है। मार्केट कैप कितना है? 66,000 करोड़। करंट प्राइस 209, ठीक है। बुक वैल्यू इज 70 रुपीज़। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी 8%, ROCE दिस, फेस वैल्यू इज 1, ठीक है। अब बात आती है कि ये कंपनी का अगर हमें देखना है, कि जैसे आपने बोला कि कंपनी का आपको रिटर्न चेक करना होता है ये सारी चीज़ें, तो ये होता है क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पे आप छोटी बड़ी सारी चीज़ों को आसान मैनर में चेक कर सकते हो। सेल्स, लेट सपोज सेल्स देखते हैं, 2019 में 7,000 कम हो गया, दिसंबर में यहाँ भी कम हो गया, मार्च में, जून में कम हो गया, सितंबर से फिर से पेस पकड़ा है, थोड़ा कम हुआ, मार्च में 2021 में 10,000, दिस कम हुआ, फिर बढ़ा मार्च 2022, फिर बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये होता है, हमें देखना है नेट प्रॉफिट। अगर आपका नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है ऑन रेगुलर बेसिस, इट मीन्स कि योर कंपनी इज़ परफॉर्मिंग वेल इनफ, ठीक है। अब यहाँ से अगर मार्च देखें, 393, 391, 422, 426, 503, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी पैसा बना ही रही है,
ये मेरे को दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे मैं ठीक हूँ। अब नेट प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो तो गन्ने को, यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। अब ये नेट प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने जो डेप्थ होंगे वो क्लियर किए होंगे, ठीक है? तो वो चीज़ को समझना होता है कि अगर नेट प्रॉफिट हमारा